परसेंट बनेगा। अब जो देखो मोदी जी क्या है, वो कलयुग के राम है, कलयुग के राम है जी, और जो योगी जी हैं वो हनुमान है। दादा है खान, माँ है क्रिश्चियन, तो हिंदू ब्राह्मण पैदा कैसे हुआ? ये तो बकरी कभी भैंस का बच्चा पैदा नहीं करती है, ये तो बात मान के चलो, ये तो सही बात है। नहीं, नहीं, नहीं करती है ना, तो ये आप करो, इसका दादा कौन खान है और इसकी माँ है क्रिश्चियन। मैं उस तरीके से मैं एक बात कह रहा हूँ कि सबसे बढ़िया है तो उसकी मम्मी है सोनिया गांधी, हाँ ये अपना धर्म में बिल्कुल निष्ठ है, बिल्कुल पक्की है। उसने राम आज दिन तक हिंदुस्तान में इतना टाइम से आई हुई है, कभी कोई मंदिर जाते हुए नहीं देखा होगा आपने। रोजगार कौन बेरोजगार है इस समय? नहीं, राजनीति इस पर होना चाहिए ना, राजनीति इसको विपक्ष वालों को बोलिए करे ना, विपक्ष वालों का ये मुद्दा उठाना चाहिए ना। वो मुद्दा कहाँ उठाते, वो तो वहाँ काउंट कर लेते हैं, वहाँ पे वहाँ तो लड़ते ही नहीं है, कोई बात मुद्दा नहीं उठा। राहुल गांधी के पास बोलने के तरीके नहीं है, वो मुद्दा क्या उठाएंगे? आप जब मंदिर में जाओगे, आप अभी कल का प्रोग्राम 22 तारीख को आपने शायद देखो, 25 लाख से भी ज्यादा पब्लिक थी अयोध्या में, वही बीजेपी का भी कार्यकर्ता होंगे, बिल्कुल होंगे। अपना देश का प्रधानमंत्री भी बीजेपी का ही है, लेकिन किसी के हाथ में बीजेपी का झंडा नहीं था, नहीं था भगवान, हाँ जी सब में भगवाई था, मंदिर के तौर पे गए थे, लेकिन ये लोग मंदिर पे तौर पे नहीं जाते, ये अपना झंडा लेके गए थे, कांग्रेस का झंडा लेके जाते, सारे कांग्रेस के झंडे। तो वही आप धर्म के प्रचार, आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हो कि मंदिर में जा रहे हो, ये तो निश्चित करो। मोहित मिश्रा आपका नाम है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चुनाव है 6 महीने में, अभी भी कोई डाउट है सरकार को बनने में जो वर्तमान है उसको? एक भी परसेंट डाउट नहीं है, एक भी परसेंट डाउट, एक भी परसेंट नहीं, क्यों भाई एकदम सब कल क्लियर हो गया 22 तारीख को? देखो 22 तारीख नहीं, 22 वाली बात नहीं, वो तो राम मंदिर वहाँ बनना ही था, लेकिन तो आपका आपका तो था ना कि मंदिर बन जाएगा तो मोदी जी? नहीं नहीं, हम लोग हम तो खुद अयोध्या वासी हैं, अच्छा हम लोग को विश्वास था वहाँ मंदिर बनेगा ही, 100% बनेगा। अब देखो मोदी जी क्या है, वो कलयुग के राम है, कलयुग के राम जी, और जो योगी जी हैं वो हनुमान है। ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मौका देती। अभी एक रिसेंटली कल की पोस्ट आई है, राजवर्धन सिंह राठौर जूता पहन के आरती कर रहे हैं, विपक्ष निशाना साध रहा है, तो सही है कि नहीं? गलत है, नहीं होना चाहिए। आप आस्था का दिखावा नहीं कर सकते, जैसे हम राहुल गांधी का विरोध करते हैं कि वो जनेऊ पहनता है, अगर वो गाली के पात्र है तो ऐसे लोग भी गाली के पात्र होंगे। सिंपल सी बात है, हम ये मानते हैं कि हुई है वही जो राम रची राखा, एक निमित्त है किसकी सरकार थी, सत्ता दोनों हमेशा, कभी सेंट्रल में बीजेपी रही तो स्टेट में नहीं रही, कभी स्टेट में रही तो सेंट्रल में नहीं रही, आज दोनों साथ में थे। राम जी का उनके ऊपर एक आशीर्वाद है जिनके थ्रू उन्होंने अपने काम को सफल बनाया है, बस हम इतना मान सकते हैं। राजनेताओं को महापुरुष और भगवान बनाने से बचना चाहिए। भगवान बनाने सर नहीं, नहीं देखो सबका अलग अलग मत होता है, ठीक है सबका अलग अलग मत है। जिस तरह हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उसके लिए हम उनको उसका नाम दे सकते हैं। 11 दिन उन्होंने तपस्या किया हुआ, कल जाके उन्होंने रामलला का पूजा पाठ करके विराजमान किए, बहुत अच्छा लगा, पूरा देश खुश था कल। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि क्या इसी के ऊपर राजनीति होनी चाहिए, धर्म के ऊपर कि विकास के ऊपर होना चाहिए, कि बच्चों को रोजगार मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है कि नहीं, आप बताइएगा। रोजगार कौन बेरोजगार है इस समय? नहीं, राजनीति इस पर होना चाहिए ना, राजनीति इसको विपक्ष वालों को बोलिए करे ना, विपक्ष वालों का ये मुद्दा उठाना चाहिए ना। वो मुद्दा कहाँ उठाते, वो तो वहाँ काउंट कर लेते हैं, वहाँ पे वहाँ तो लड़ते ही नहीं है, कोई बात मुद्दा नहीं उठा। राहुल गांधी के पास बोलने के तरीके नहीं है, वो मुद्दा क्या उठाएंगे, लोकसभा में कुछ बोलते ही नहीं, यात्रा कर रहे हैं भी वो यात्रा ही करेंगे, पूरा जीवन यात्रा में निकल जाएगा उनका। वो बोल रहे हैं कि हमको मंदिर जाने से रोका जा रहा है। भैया कम से कम यार किस धर्म के हो ये तो पता होना चाहिए, अगर आप हिंदू धर्म के हो तो कम से कम आपके अंदर ये होना चाहिए, सही किया उनको रोक दिया, उनका कोई धर्म ही नहीं है, क्रिश्चियन है, उधर हिंदू है भाई, आपको नहीं पता है? अच्छा ये इंदिरा गांधी ने किससे शादी किया? इंदिरा गांधी ने शादी किससे किया? फिरोज गांधी से। जो बाप कभी, एक चीज आप जान लीजिए, फिरोज कभी जो, ठीक है कभी भी बाप का जो जाति होती है, ठीक है उसी से बेटे का नाम जोड़ा जाता है, ठीक है, उनकी कोई जाति नहीं है, हिंदू है ही नहीं, तो सही किया। एक बार बताओ,
दादा है खान, माँ है क्रिश्चियन, तो हिंदू ब्राह्मण पैदा कैसे हुआ? ये तो बकरी कभी भैंस का बच्चा पैदा नहीं करती है, ये तो बात मान के चलो, ये तो सही बात है। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं करती है ना, तो ये आप करो, इसका दादा कौन खान है और इसकी माँ है क्रिश्चियन। मैं उस तरीके से मैं एक बात कह रहा हूँ कि सबसे बढ़िया है तो उसकी मम्मी है सोनिया गांधी। हाँ, ये अपना धर्म में बिल्कुल निष्ठ है, बिल्कुल पक्की है। उसने राम आज दिन तक हिंदुस्तान में इतना टाइम से आई हुई है, कभी कोई मंदिर जाते हुए नहीं देखा होगा आपने? नहीं देखा ना। वो आज राम मंदिर के लिए पहले उसने बोल दिया था कि मैं अपना धर्म में नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन के ही रहूंगी, मैं और धर्म में नहीं जा, जैसे मैं हूँ, मेरे को एक बोले तो मस्जिद में चले जा, मैं नहीं जाऊंगा क्यों, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो वो भी उसकी मम्मी हमेशा सोनिया गांधी ये कहती है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं अपना धर्म में पक्की हूँ, मैं अपना धर्म में हूँ मानती हूँ। राहुल गांधी बोले कि मंदिर हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, सही बात है? हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है कि नहीं जाना चाहिए। नहीं, सही हुआ। वो एक बार बताओ, मंदिर में कोई भी जा सकता है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई कोई भी जा सकता है, लेकिन आप जब मंदिर में जाओगे, आप अभी कल का प्रोग्राम 22 तारीख को आपने शायद देखो, 25 लाख से भी ज्यादा पब्लिक थी अयोध्या में, वहीं बीजेपी का भी कार्यकर्ता होंगे, बिल्कुल होंगे, अपना देश का प्रधानमंत्री भी बीजेपी का ही है, लेकिन किसी के हाथ में बीजेपी का झंडा नहीं था, नहीं था भगवान। हाँ जी, सब में भगवाई था, मंदिर के तौर पे गए थे, लेकिन ये लोग मंदिर पे तौर पे नहीं जाते, ये अपना झंडा लेके गए थे, कांग्रेस का झंडा लेके जाते, सारे कांग्रेस के झंडे। तो वही आप धर्म के प्रचार, आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हो कि मंदिर में जा रहे हो, ये तो निश्चित करो। हाँ, उसके बाद अगर मान वो अयोध्या गए थे तभी भी उसके झंडे फाड़े, पर तुम यहाँ अपने झंडे लेके क्यों भगवा लेके जाते? अगर वो कल भगवा लेके जाते मंदिर में उसका प्रवेश हो जाता, लेकिन वो कांग्रेस के झंडा था। हाँ, तो वो उसको नहीं जाने दिया। क्या लगता है सर, विकास कर रहा देश, बढ़ाया आगे? बहुत विकास हुआ है पूरे वर्ल्ड में, मोदी जी का डंका बोल रहा है भारत में। देश की बात करें सर, दुनिया देश में वोट आप देते हैं, आप लोग देते हैं, अपनी बात करिए। देखिए, अगर मोदी जी जब से आए हैं तब से बहुत विकास हुआ है, देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है बिल्कुल। पक्का समझ लें 24? अरे 100%, एक भी % डाउट ही नहीं मेरे भैया, पक्का सर। हाँ जी भाई, एक बार बताओ, जे मोदी बीजेपी ने शुरू से जे अपना वादा किया था, करीब करीब 90% तो पूरा हो गया। रोजगार का वादा नहीं पूरा हुआ, कौन क्या नहीं हुआ? नहीं, गलत बात बोल रही है। आप भी रोजगार कर रहे हो, आप ये मत बोलो कि मैं रोजगार नहीं मिला। हाँ, वो आपके पास आते हैं ना, जिसको ये भारत के अंदर कहीं पे जाओ तो दो से ढाई से परसेंट, 2.5 से 3% सरकारी नौकरी मिलती है। आप कहोगे कि भाई 140 करोड़ को सबको नौकरी चढ़ा दो, नौकरी नहीं मिलेगी।